संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटले संधान। प्रिय साथियों, संधान के इस व्याख्यान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के व्याख्यान का विषय है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। निराला की ये दोनों कविताएं न केवल छायावाद के प्रतिनिधि कविता के रूप में बल्कि हिंदी भाषा और साहित्य की एक अमूल्य पूंजी के रूप में याद की जाती हैं। आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम में हमारे बीच हिंदी कविता के मर्मज्ञ एवं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर संजीव कुमार दुबे जी उपस्थित हैं। डॉक्टर संजीव जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आखिर इन दोनों कविताओं में वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं कि लगभग हर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इनको रखा जाता है और इनको पढ़े बगैर एक हिंदी का छात्र अपने आप को अधूरा महसूस करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि निराला का जो पूरा की जो उनकी काव्य यात्रा है उस पर अगर आप गौर करें तो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा ये उनकी काव्य यात्रा के एक मील के पत्थर के रूप में हिंदी साहित्य जगत में स्वीकार की गई हैं। जी, आप देखें कि निराला का जो काव्य लेखन है वह 1916 से प्रारंभ होता है। जूही की कली उनकी पहली कविता उन्होंने स्वयं स्वीकार की है और उसके बाद से लेकर 1936 तक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनके इस काव्य यात्रा के प्रथम चरण के रूप में 1921 से लेकर 1936 तक की कविताओं को रखा है और 1935 और 36 के दरमियान जो दो कविताएं हिंदी जगत को निराला के द्वारा प्राप्त होती हैं उनमें से एक सरोज स्मृति है और दूसरी राम की शक्ति पूजा। तो आप अगर देखें तो एक तरह से यह राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति यह छायावाद की प्रतिनिधि कविता तो है ही, साथ ही साथ यह अपने युग की प्रतिनिधि कविता भी है। क्यों? क्योंकि यह छायावाद और प्रगतिवाद की संधि बेला की कविता भी है। जी, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से छायावाद का जो स्वरूप रहा है उस स्वरूप से ये काफ़ी भिन्न भी है, उसके प्रभाव को लेकर एक नई तरह की अभिव्यक्ति यहाँ पर उभर कर सामने आती है। हम जानते हैं कि छायावादी कविता आत्माभिव्यक्ति की कविता रही है। लगभग सभी प्रमुख छायावादी कवियों ने आत्माभिव्यक्ति को अपनी कविता का माध्यम बनाया, लेकिन जिस तरह निराला अपने आत्मसंघर्ष को लेकर इस कविता में उपस्थित होते हैं वह छायावादी आत्माभिव्यक्ति से अलग है। और आप देखेंगे कि उस दौर में ऐसे अनेक, वो चाहे राजनीति के क्षेत्र के हों, वो चाहे कला के क्षेत्र के हों, साहित्य के क्षेत्र के हों, सभी ने आत्माभिव्यक्ति को प्रमुखता दी आत्मकथाओं के माध्यम से, स्मृति चित्रों के माध्यम से। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो निराला की ये दोनों कविताएं उनके आत्मसंघर्ष को, यह आत्मसंघर्ष एक कवि का आत्मसंघर्ष भी है, एक व्यक्ति का आत्मसंघर्ष भी है, और आप देखेंगे कि एक पूरे समाज का आत्मसंघर्ष भी है। और इस संघर्ष में उस व्यक्ति की पराजय के क्षण भी आते हैं, साथ ही साथ इस संघर्ष में वह क्षण भी आता है जब वह अपने को विजयी महसूस करता है और विजय प्राप्ति की मौलिक कल्पना भी वह करता है। संजय जी, यहाँ पर हम सरोज स्मृति की बात करें, उसको एक शोक गीत के रूप में याद किया जाता है और यह माना जाता है कि हिंदी में शोक गीतों की वैसी परंपरा नहीं रही है। जी, एक व्यक्तिगत प्रसंग भी उसमें बार बार नजर आते हैं, तो सरोज स्मृति पर हम चाहेंगे कि आप कुछ अपनी बात रखें। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। जिस तरह आप सरोज स्मृति की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें निराला का निजी प्रसंग भी है। हर कवि के अपने जीवन के अनुभव उसे उसकी कविता की खुराक देते हैं। आप पाएंगे कि सरोज स्मृति स्थूल रूप में उनकी बेटी सरोज की स्मृति में लिखी हुई कविता है। जी, जो सरोज की मृत्यु के बाद एक कवि अपने जीवन को, अब तक के समय को देख रहा है, पूर्वदीप्ति पद्धति से वह अपने उस पूरे समय को देखता है कि एक पुत्री के पिता के रूप में
उसका दायित्व क्या रहा और अपने दायित्व के निर्वाह में वह कितना सक्षम और अक्षम रहा, इस अक्षमता के पीछे वे कारण कौन से थे, उन कारणों को भी वह उजागर करने की कोशिश करता है। तो सरोज स्मृति कविता इस लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि आप देखेंगे कि कविता की शुरुआत होती है जी। सरोज की मृत्यु के बाद, सरोज की मृत्यु हो चुकी है और वह सरोज का ज्योति शरण तरण से अपनी कविता की शुरुआत करता है। एक आपने चूंकि दोनों कविताओं का जिक्र किया तो आप पाएंगे कि दोनों कविता की शुरुआत में ज्योति है और दोनों कविताओं में अंधकार का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव है और उस अंधकार से बाहर निकलने की एक जिजीविषा, एक छटपटाहट भी कवि के भीतर दिखाई पड़ती है। कवि अपने कवि रूप के प्रति बहुत सजग है और इसीलिए वह कहता है कि मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश। लेकिन साथ ही साथ एक पिता के रूप में वह अपनी उस निरर्थकता को भी बार बार महसूस करता है। एक कवि होना और एक कवि होना और कविता के साथ साथ एक दुनियावी, जो हमारे जीवन के जो संघर्ष होते हैं, जो हमारी गृहस्थी होती है और गृहस्थी को निभाने के पीछे एक व्यक्ति को जो संघर्ष करना पड़ता है, तो निराला इसमें एक आम व्यक्ति के रूप में भी सामने आते हैं। आप देखेंगे कि एक तरह से एक ऐसी वैयक्तिकता है जो बिल्कुल निर्वैयक्तिक होकर सामने आती है और निराला सरोज स्मृति के माध्यम से एक सरोज के पिता नहीं होते हैं बल्कि वो उन लाखों करोड़ों स्त्रियों बालिकाओं के पिता के रूप में सामने आते हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था से दो चार होते हुए अपनी पुत्री के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कई तरह की रुकावटें, बाधाएं महसूस करते हैं। निराला को आप देखेंगे तो वो शुरुआत में ही कविता के कहते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो ये जिस स्वार्थ की बात कर रहे हैं, यह व्यक्ति के स्वार्थ हैं। एक कवि के रूप में, एक रचनाकार के रूप में हमें अपने वैयक्तिक स्वार्थों से ऊपर उठना होता है, लेकिन यह स्वार्थ से ऊपर उठना क्या इतना सहज होता है? और कविता में आप देखेंगे कि उस संघर्ष को रूपायित करने का प्रयास सरोज स्मृति के माध्यम से कवि निराला ने किया है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि निराला परंपराओं को तोड़ते हैं और बेटी के विवाह से संबंधित भी कई परंपराएं उनके सामने खड़ी होती हैं जी। और वो जैसे कि दहेज की प्रथा और कई ऐसी बातें आती हैं और उससे वो संघर्ष करते हैं, वो आत्मसंघर्ष इस कविता में नज़र आता है जी। और उसको एक तरह से जो आप कह रहे थे अभी कि वैयक्तिकता से निर्वैयक्तिकता की तरफ यात्रा करना जी, या अपने निजी सीमाओं को पार कर जाना, ये भी इस कविता को एक अलग तेवर प्रदान करता है। बिल्कुल, उस पर भी हम चाहेंगे थोड़ा प्रकाश पड़े। देखिए, ऐसा है, जब मैंने कहा कि एक कवि के रूप में और एक पिता के रूप में, दोनों ही रूपों में निराला हमारे सामने आते हैं जी। एक पिता के रूप में वे अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छा सुखमय जीवन देना चाहते हैं, लेकिन एक कवि के रूप में वह यह भी देखते हैं कि इस सुखमय जीवन को देने के क्रम में जो दुनियावी रीतियां हैं, जो प्रथाएं हैं, जो समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की जो निरर्थकता है, उस निरर्थकता को भी वे बराबर महसूस करते हैं। उस निरर्थकता से मुक्त होने की वो छटपटाहट भी उनमें है, लेकिन आप देखेंगे कि इन सब के बावजूद वो कहीं ना कहीं ये पाते हैं कि इन जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, इनसे मुक्त के क्रम में बेटी को वो जैसा जीवन देना चाहते हैं, जैसा वो सुख उसके जीवन में उसे देना चाहते हैं, उसके आड़े आने वाली स्थितियां पैदा होती हैं। तो वो कहते भी हैं कि किस तरह से जो कुछ मेरा अपना धन है, पूर्वज से मिला करूँ अर्पण, यदि महाजनों का तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह, मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूँ यह नहीं सुघर,
बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय। जी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो परिपाटी चली आ रही है उस परिपाटी को तोड़ने की कोशिश भी है, लेकिन उसके पूर्व वो ये स्वीकार भी करते हैं, फिर सोचा मेरे पूर्वज गण गुजरे जिस राह वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीति कर दूं पूरी गौ नहीं भीति, कुछ मुझे तोड़ते गत विचार पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय। तो यह दोनों ही स्थितियों के बीच एक जो संतुलन की साधना है, और उस संतुलन की साधना के क्रम में आप पाएंगे कि उनका कवि व्यक्तित्व अधिक हावी होता है और उनका जो एक गृहस्थ का व्यक्तित्व है वो कभी दबता हुआ महसूस होता है, और उन्हें अपने समझौतों को स्वीकार करने का जो एक उनका उदात्त है वो आप देखते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी कमियों को गिनाने से बचता है और अपनी श्रेष्ठताओं का बखान करना चाहता है। आप देखेंगे कि निराला अपनी कमियों को भी दर्शाते हैं और साथ ही साथ वो यह भी बताते हैं कि इन कवियों से एक व्यक्ति को कैसे उभरना चाहिए, कैसे दृढ़ता से इसका सामना करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक ऐसे समाज में जहां पुत्रों पर ही कुछ लिखने की या उनको महत्व देने की परंपरा रही हो, वहां एक पुत्री को लेकर इतनी बड़ी कविता की रचना करना अपने आप में निराला के एक अलग सोच को दर्शाता है। निराला एक साहित्यकार के रूप में भी इस कविता में उपस्थित होते हैं और वो काफ़ी कुछ तत्कालीन परिवेश के बारे में भी कुछ सूचनाएं देते हैं, निजी प्रसंगों के माध्यम से देते हैं। जी। वो प्रसंग हमारे साहित्य से और साथ ही साथ हमारे पूरे भारतीय खासतौर से हिंदी के समाज से किस रूप में जुड़ते हैं, इस पर अगर आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, निराला की जो ये कविता है आप इसमें देखेंगे कि सरोज स्मृति में जितना सरोज की चिंता है, सरोज के जीवन और सरोज के प्रति एक जिम्मेदार पिता की जो पिता की भूमिका न निभा पाने की पीड़ा है, उसके साथ उसी के बरक्स निराला की वह पीड़ा भी है जहाँ पर वो साहित्य को अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पित करने के बावजूद वो ये पाते हैं कि उन्हें जैसी उनकी जैसी नोटिस ली जानी चाहिए वैसी नोटिस साहित्य संसार साहित्य के आलोचक नहीं लेते हैं, और इसी कारण से उनके भीतर यह बात पैदा होती है कि आखिर उन्होंने जैसा लिखा है जो कहा है वह लेखन और वह उनका जो रचनात्मक अवदान है उसका जिस रूप में स्वागत होना चाहिए वैसा स्वागत होता उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक चीज़ और देखिए कि निराला छायावाद के कवि हैं ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन ये सवाल मन में अक्सर उठता है कि क्या निराला छायावाद के ही कवि हैं। आप देखें कि निराला छायावाद के कवि होते हुए भी छायावाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। जी। छायावादी प्रवृत्तियों के बाहर निकल कर वह अपने समय के बहुत बाद की कविता का नेतृत्व करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि तत्कालीन आलोचकों ने छायावाद के दायरे में ही रखकर निराला को देखने परखने की कोशिश की, और इसके चलते जैसा उन्हें न्याय मिलना चाहिए था आलोचकों के द्वारा वैसा न्याय नहीं मिल सका, और इसलिए आप देखेंगे कि वो इस कविता में अनेक स्थानों पर यह इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस तरह से संपादकों ने उनके साथ या फिर उस तत्कालीन आलोचकों ने उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जो किसी भी कवि को तोड़ देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो निराला की जिजीविषा है, ये उनकी शक्ति है कि उन्हें यह उपेक्षा तोड़ नहीं पाई, बल्कि इस उपेक्षा से वे जीवन रस प्राप्त करते हैं और उससे अपनी कविता को समृद्ध करते हैं। आप देखें कि तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ व्यस्त लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर, संपादक के गुण यथाभ्यास
पास की नोचता हुआ घास। आप देखें कि इस कविता में एक तरफ पीड़ा है जी, दुख है, संतरास है, लेकिन दूसरी तरफ व्यंग्य है और अपने समय की विडंबना है। एक पिता जब पुत्री के शोक में यह शोक गीत रच रहा, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि यह हिंदी का एक अप्रतिम शोक गीत है, तो आप देखें कि उस शोक गीत में जो करुणा है, वह करुणा कैसे हास्य और व्यंग्य को पाकर कितनी समृद्ध हो जाती है या करुणा कितनी घनीभूत हो जाती है, इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण इस कविता में मिलता है। जब वे अपने ही समाज के लोगों को जी कहते हैं कि ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इस विषम बेल में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। या फिर जिस तरह से वे जो जिक्र करते हैं कि ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह, तो यह जो व्यंग्य है यह उस समाज की विडंबना से उभरा है और उस करुणा को, क्योंकि करुणा के प्रसंग में यह व्यंग्य विडंबना कई बार आपको लग सकता है कि इसका औचित्य नहीं है, लेकिन आप जब इसे देखें कि किस तरह से उस करुणा को तीव्र करने में भूमिका निभाता है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, ऐसा मैं सरोज स्मृति के बारे में सोचता हूँ। आपने जो अभी संदर्भ में एक चर्चा की थी कि निराला को बहुत कुछ झेलना पड़ा जी, उस झेलने के मूल में क्या निराला का वह व्यक्तित्व भी मौजूद रहता है जो परंपरा को अपने ढंग से एक नया रूप देता है जी, जो बहुत सारी रूढ़ियों पर आक्रमण करता है, उनको तोड़ता है जी, या उस साहित्यिक परंपरागत ढांचे में फिट नहीं होता है जिसको लेके बहुत लोग चल रहे होते हैं जी। तो निराला को की चर्चा के संदर्भ में और खास तौर से इन दो कविताओं के संदर्भ में जी, हम उस बात पर भी विचार करें कि किस प्रकार उन्होंने न केवल कथ्य के स्तर पर बल्कि रूप के स्तर पर भी बहुत कुछ तोड़ा, और उस समय की पत्र पत्रिकाओं के लिए वो चीज़ें इतनी नई थीं कि उनको लगता था कि इसको तो छापने से अच्छा है।